नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि 10 बाय 12 फुट का अगर रूम में आप लोग टाइल्स लगवा रहे हो या लगवाने का प्लानिंग कर रहे हो एक रूम में, तो प्लीज आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें मैं ए टू जेड सारे जानकारी देने का कोशिश किया हूँ, एस्टिमेट कॉस्ट बताया हूँ, जैसे कि नंबर्स ऑफ पेटी कितना लगेगा, एक टाइल्स का स्क्वायर फुट कितना होता है, टोटल्स नंबर्स ऑफ टाइल्स कितने लगेंगे संख्या आपका, साथ साथ आपका दोस्तों एक पेटी का प्राइस क्या है, सीमेंट कितने लगेंगे, लेबर का कॉस्ट कितने लगेंगे, बालू कितने लगेंगे, व्हाइट सीमेंट कितने लगेंगे, ए टू जेड जानकारी दी है। तो लास्ट तक देखिए, काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। चलिए हम सीधा करते हैं वीडियो को। में सबसे पहले हम निकालने से पहले आपको ये समझाने का कोशिश करेंगे कि रूम का साइज क्या है, एक पेटी में टाइल्स का प्राइस कितना होता है और एक पेटी में कितना स्क्वायर फुट होता है, नंबर्स ऑफ टाइल्स कितना लगेगा एक रूम में, ठीक है, और जितना पेटी है 7.5 पेटी है उसका टाइल्स का कॉस्ट क्या लगेगा, नंबर्स ऑफ सीमेंट्स बैग कितने लगेंगे टाइल्स लगाने के लिए, सैंड कितना लगेगा बालू और व्हाइट सीमेंट कितना लगेगा, ठीक है, गैपिंग फिलअप करने के लिए, और साथ साथ लेबर का खर्चा कितना लगेगा, ठीक है। तो ए टू जेड हम सभी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक जरूर देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों रूम का अगर साइज का अगर बात कर ले, तो रूम का साइज हमारा 10 फुट बाय 12 फुट का है, ठीक है, यानी कि रूम का आपका लंबाई है वो 12 फुट है और चौड़ाई जिसको ब्रेथ बोलेंगे वो 10 फुट है, ठीक है दोस्तों। तो अगर एरिया का बात कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा रूम का एरिया, 10 × 12 तो ये हो जाएगा 120 स्क्वायर फुट हो जाएगा, ठीक है, ये एरिया हो गया, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेंगे एक पेटी में टाइल्स का प्राइस क्या लगेगा, एक पेटी टाइल्स का कीमत केजरिया टाइल्स का लमसम 700 रुपया पर पेटी पड़ रहा है, ठीक है, एक पेटी, और एक पेटी में कितना टाइल्स लगता है, चार टाइल्स आता है, ठीक है, जैसे कि डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं केजरिया टाइल्स, एक अच्छा टाइल्स लेंगे तो हाउ मैनी स्क्वायर फुट टाइल्स इन वन पेटी, एक पेटी में कितना स्क्वायर फुट टाइल्स होता है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोस्तों टाइल्स का जो साइज होता है, लंबाई एक टाइल्स का 2 फुट और चौड़ाई 2 फुट का आता है, ठीक है, फ्लोर टाइल्स का साइज है ये, और साथ साथ एक पेटी में 4 टाइल्स आता है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 स्क्वायर फुट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 2 × 2 = 4 और 4, एक पेटी में 4 टाइल्स, तो 16 स्क्वायर फुट हो गया टाइल्स। अब नंबर्स ऑफ टाइल्स इन वन रूम का अगर बात कर ले, तो हमारे पास क्या है एरिया, एरिया 120 स्क्वायर फुट है, 10 × 12 फुट का जो रूम था तो 120 स्क्वायर फुट, और एक टाइल्स कितना स्क्वायर फुट का था, 2 × 2, ठीक है, 2 फुट लंबाई टाइल्स का था एक टाइल्स का, 2 फुट चौड़ाई था, तो ये 4 हो गया, 4 स्क्वायर फुट एक टाइल्स का एरिया है। जब आप इसको भाग दे दीजिएगा, तो देखिए दोस्तों 120 भागा 4 कर दीजिएगा तो 30 नंबर्स ऑफ टाइल्स लग जाएगा, 10 बाय 12 फुट के रूम में 30 नंबर्स ऑफ टाइल्स लगेंगे, ठीक है, जब आप इसको क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा तो स्क्वायर फुट से स्क्वायर फुट कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। टोटल्स अगर पेटी का बात कर ले, तो 7.5 पेटी टाइल्स लग जाएंगे आपको 10 बाय 12 फुट के रूम में, ठीक है, फ्लोर टाइल्स कितना पेटी, 7.5 पेटी, यानी कि 7.5 बॉक्स आपका लगेगा, ठीक है, तो 7.5 जो आपका बॉक्स बोल दीजिए या पेटी बोल दीजिए उसका प्राइस कितना लगेगा, तो दोस्तों 7.5 पेटी यानी कि बॉक्स भी बोल सकते हैं आप इसको, × 700 रुपया आपका एक बॉक्स या एक पेटी का पड़ता है 4 टाइल्स का, ठीक है, जब इससे गुना कर दीजिएगा तो गुना करने के बाद ये दोस्तों देखिए 700 रुपये आपका एक पेटी का है, तो 7.5 पेटी का है 5,250 रुपये आपका लग जाएगा 7.5 पेटी यानी कि बॉक्स का, ठीक है, और टाइल्स संख्या का अगर बात कर ले तो 30 टाइल्स लग जाएंगे। नंबर्स ऑफ सीमेंट बैग कितना लगेगा भैया एक रूम में, यानी कि 10 बाय 12 फुट के रूम में, तो दोस्तों 0.0286 बैग लगता है आपका एक स्क्वायर फुट में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे गुना कर देंगे हमारा जो रूम का एरिया है 120 स्क्वायर फुट, ठीक है, जब आप गुना कीजिएगा
तो यह आपको निकल के आएगा दोस्तों, देखिए 120 स्क्वायर फुट तो रूम का एरिया हो गया साइज फ्लोर का, और एक स्क्वायर फुट में 0.0286 बैग लगता है सीमेंट टाइल्स लगाने का, तो यह 3.5 अप्रॉक्स ले के चल सकते हैं, ठीक है, बैग यानी कि चार बैग आपका इसको अप्रॉक्स मान के चलिए चार बैग सीमेंट लग जाएंगे। कोस्ट का अगर बात कर ले तो 450 रुपया से सॉरी 420 रुपया एक बैग का कीमत है, तो उसके अकॉर्डिंग यह कितना आएगा, चार बैग होने 420 रुपया, तो यह 1600 बॉक्स से बाहर हो गया इसके लिए, सॉरी 1680 रुपया पड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेंगे शैंड का, नंबर साफ कितना सीएफटी लग जाएगा, देखिए दोस्तों जब आप गुना कर दीजिएगा 0.14 सीएफटी पर स्क्वायर फुट में, हमारा जो रूम का साइज है 120 स्क्वायर फुट है, जब आप इसको गुना कर दीजिएगा तो गुना करने के बाद 120 स्क्वायर फुट गुने 0.14 सीएफटी लगता है, तो यानी कि अप्रॉक्स 70 सीएफटी लग जाएगा, ठीक है। बालू कोस्ट का अगर बात कर ले तो 80 रुपया हमारे एरिया में 80 से 85 रुपया एक सीएफटी का कीमत, तो उसके अकॉर्डिंग इसका गुना कर देंगे 80 100 यानी कि 17 सीएफटी हम ले कर चल रहे हैं अप्रॉक्स, 80 रुपया से गुना कर देंगे तो यह 1360 रुपया आपका पड़ जाएगा बालू के ऊपर, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा फास्ट नहीं है, हम आपको ये भी बता दिए कितना स्क्वायर फुट में कितना सेफ्टी लगेगा, कितना स्क्वायर फुट में कितना बैग सीमेंट लगेगा। अब वाइट सीमेंट का बात कर ले तो वाइट सीमेंट का हमारा काम कहाँ आ जाता है, जब दो टाइल्स को जोड़ते हैं ना तो बीच में थोड़ा सा गैपिंग रहता है, तो उसी गैपिंग को भरने के लिए हम लोग वाइट सीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वाइट सीमेंट एक रूम में टाइल्स लगाने के लिए आपको लगभग 1.5 केजी के आसपास लग जाएगा, ठीक है, केजी, एक केजी का कीमत वही 50 रुपया के आसपास आता है, वाइट सीमेंट सस्ता ही है, 1.5 केजी गुने 50 रुपया कर दीजिए 75 रुपया लमसम, आप 80 रुपया ले कर चल सकते हैं, अभी फिलहाल रेट बढ़ चुका होगा। तो लेबर का कॉस्ट अगर बात कर ले दोस्तों तो लेबर कॉस्ट आपका 20 से 25 रुपया लेता है, तो हम 25 रुपया ले कर चल रहे हैं, अपने पास जो रूम का साइज है 120 स्क्वायर फुट, तो ये कितना हो जाएगा 120 स्क्वायर फुट गुने 25 रुपया, तो ये 3000 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल का बात कर लेंगे, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट हमारा कहाँ कहाँ लगा, 5250 रुपया आपका टाइल्स के ऊपर लग गया, बालू सीमेंट के ऊपर 1680 रुपया लग गया, ठीक है, बालू के ऊपर 1360, 80 रुपया आपका वाइट सीमेंट, और लेबर कॉस्ट आपका हो गया 3000 रुपया, जब सबको जोड़ दीजिएगा, देखिए दोस्तों 5250 रुपया आपका हो गया टाइल्स के ऊपर, प्लस 1680 रुपया आपका हो गया सीमेंट के ऊपर, प्लस 1360 रुपया आपका हो गया बालू के ऊपर, प्लस 80 रुपया आपका हो गया वाइट सीमेंट के ऊपर, और 3000 आपका लेबर कॉस्ट के ऊपर, तो 11370 रुपया, आप इसको लगभग 11500 रुपया लेके चल सकते हैं 10x12 रूम में टाइल्स लगाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का जोड़ दीजिएगा 200-300 रुपया, तो ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड हम आशा करते हैं कि हमारा ये बताया हुआ जानकारी आप लोग को हेल्पफुल लगेगा, और कभी भी प्लानिंग कर रहे हैं या बनवा रहे हैं इसके नज़रिए से ये वीडियो बहुत ही अच्छा और था, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों।